गाइस अब मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, सो हम गए। वेदर लुक्स फंटास्टिक, इट्स ऑल लिटिल सनी एंड ऑल्सो प्लेजेंट। वन आवर अगो इट वॉज रेनिंग हैविली, बट इट्स अराउंड 4:30 PM एंड नाउ इट हैज़ स्टॉप एंड इसलिए मैं साइकिल में निकला, वरना आज भी नहीं निकलने वाला था। एंड टुडे आई वॉज आउट ऑफ एनी आइडियाज वॉट टू मेक फॉर माई ब्लॉग टूडे, एंड कोई ना बन जाएगा। एनी वेज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द लास्ट ब्लॉग। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखें, आई बटन में लिंक है। इज़ नॉट एक्चुअली फॉर रेस्टेंट, लेकिन रेस्ट भी कर लूँगा। इट्स एक्चुअली अबाउट माई Q&A वीडियो जो मैं शूट करना चाहता था, बट आई डिडंट रिसीव मच क्वेश्चन फॉर माई यूट्यूब चैनल। सो लाइक एक दो या तीन क्वेश्चन होंगे, सो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसके आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हु वॉज योर फर्स्ट सपोर्टर, तो उसका आंसर होगा रितेश। रितेश को मैंने बताया जब इसके बारे में, तो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर सपोर्टिंग मी एंड वो अभी तक मेरा सपोर्ट करता है, हर चीज़ में मेरे साथ ही देता है। एंड जब भी डेली ब्लॉग आता है तो ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट व्यूअर्स। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि हाउ डू यू एडिट योर ब्लॉग्स, तो इसका आंसर ये बोलूँगा कि अगर इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द सॉफ्टवेयर और द ऐप विच आई यूज टू एडिट माई वीडियो, तो उसका आंसर होगा काइनेमास्टर। सिंपल एडिट करता हूँ, ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ। एंड जो भी एडिटिंग मेरा होता है उसके आइडिया जो होता है मैं ब्लॉग से लेता हूँ, ब्लॉग्स दिन भर देखते रहता हूँ। एंड आई टेक आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉगर्स एंड उनके एडिटिंग स्टाइल्स को लाइक समझने की कोशिश करता हूँ। एंड द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज हु वाज द वन विथ हुम यू शेयर्ड योर आइडिया ऑफ ब्लॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका भी आंसर रितेश ही होगा, क्योंकि रितेश के साथ ही मैंने पहला ब्लॉग भी बनाया। एंड पहला ब्लॉग का जो सीरीज़ था हमारा दार्जिलिंग ट्रिप का, तो अगर वो भी नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लें, वो वाला बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ पे देखना, वहाँ से और अभी का ब्लॉग कंपेयर करके देख लेना कितना ज़्यादा डिफरेंट लगता है ब्लॉग्स। और एक बोनस क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन था मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। सो इट वॉज आस्क्ड बाय वन ऑफ माई नोन सब्सक्राइबर एंड लाइक वन ऑफ माई नोन पीपल, तो उसका आंसर देखो भाई, प्रैक्टिकल आंसर बताऊँगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एंड अभी यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट कर ही लेता हूँ, जब रुक ही गया हूँ उसके बाद मैं इस वाले रास्ते में जाऊँगा। यहाँ से मैंने बोला था ना, मेरे दोस्त ने हाथी देखा था तो वो यहीं से था, तो एक बार मैं ये रास्ता एक बार जाके आ जाता हूँ, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा अंदर जाके वापस आई विल रिटर्न। दिस इज़ लिटल स्कैरी देखने में भाई, यहाँ पे कैमरा में अच्छा लग रहा होगा लेकिन जब यहाँ से चला रहा ना, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है पूरा, सनलाइट इज़ नॉट कमिंग इन साइड एट ऑल, जबकि पूरा सनलाइट है बाहर में, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है एकदम, थोड़ा डरावना सा फील हो रहा है। सुबह थोड़ा सा अंदर जाऊँगा उसके बाद आई विल रिटर्न बैक होम, लेकिन ऐसे जगहों में मुझे आने में बहुत मज़ा आता है। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट, अकेले आए और शांति से पीस में, जूता वूता ना ख़राब हो क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूँगा तो यहाँ पे आ गए कोई मूवी, कोई हॉरर मूवी का सीन जैसा लग रहा है। एक अकेला लड़का आया जंगल में, पर इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ से चल रहा हूँ ना तो एकदम जो चिड़िया वगैरह है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मज़ा आ रहा है सुन के।
ऐसे जगह में दोस्तों के साथ आने में बहुत ही मज़ा आएगा। एक लाइक ग्रुप आए पूरा साइकिलिस्ट का, तो मज़ा आएगा ज़्यादा घूमने में। यहाँ पे आके एकदम प्रॉपर जंगल वाला फील आ रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया ही इसलिए, सो दैट आई थॉट कि यहाँ पे होपफुली एलिफेंट या कुछ स्पॉट कर सकूँ। तो एक्चुअली मुझे अंदर अंदर लग रहा ना स्पॉट करूँ तो भी सही है, क्योंकि मेरी फट के चार हो जाएगी कसम से। ओके दैट्स इट गाइस, अब मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, सो आई एम गोना गेट बैक होम। अब मेरा हिम्मत नहीं अकेले आगे जाने का, चांस भी नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे अकेले अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं कुछ कर भी नहीं कर पाऊँगा, कुछ कर भी नहीं पाऊँगा ना किसी को कुछ इन्फॉर्म कर पाऊँगा। कोई होता अगर साथ में तब और आगे जाता, मज़ा भी आता वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट माई टाउन। यहाँ पे ना लाइक नेचर को एक्सप्लोर करने लायक बहुत जगह है। यहाँ पे जो ट्रीज बहुत सारी जो है ना रूटेड हुई हुई। अरे आगे से बाइक आ रही है शायद, यहाँ से रास्ता है क्या भाई? अगड़ी बड़ा कहाँ निस्किन सर? खोला ना, खोला निस्किन सर। हाई ना, इस तो घूम लो का को जो स्कूटी में आ रहा था, मैंने उन लोग से पूछा कि आगे कहाँ जाता है, तो वो कह रहे थे आगे नदी निकलता है। हाँ, मैंने जैसे पहले बोला भी है पहले के ब्लॉग्स में कि जहाँ आपको नदी दिखेगा वहाँ जानवर होंगे ही होंगे, तो हाथी वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं गांव वगैरह में। तो गाइस आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक कर दे एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट। लाइक शेयर वगैरह मैं कभी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें करेज भी लगा है मेरा और मेहनत भी लगा है। एंड ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह बोलने से जो है मुझे कंटेंट ज़्यादा क्रिंजी लगता है। एंड कंटेंट अगर आपको पसंद आएगा तो आप खुद लाइक कर ही दोगे और सब्सक्राइब भी कर ही दोगे, लेकिन ये टाइम में अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। ये टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। दिस विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहूँगा। ओके, सो आई एम फाइनली आउट ऑफ द जंगल एंड आई एम हेडिंग बैक होम। My shoes and my leg, they are all full of mud and this is what you have to pay for exploring new places. घर आया सबसे पहले जाके एक शावर लिया, शावर लेके फिर अभी कपड़ा वपड़ा पहन के जो आप लोग से बात करने के लिए आया। घर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो जो भी फनी स्टफ जितना होता है उतना मैं ट्राई कर सकता हूँ दिखाने का, मैं दिखाई देता हूँ बच्चों लोग के साथ ही ज़्यादातर होता है। और बाकी सबके साथ जो कन्वर्सेशन होता है मैं हर बात जो है व्लॉग में नहीं दिखाना चाहता अपनी फैमिली के साथ, दोस्त होते हैं तो अलग बात रहता है। एनीवेज आई होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर देना एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। I hope so you guys enjoyed this video. If you did then please like this video, share and also subscribe to my channel. Milte hain aapko agle vlog mein, tab tak ke liye adios amigos, goodbye and take care. I didn't receive any questions like